नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जो है हुआ नहीं है, पर तुम्हें इजी जाए, तुम्हें याद करने के लिए इजी हो कि कौन से पोर्शन में, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पोर्शन में क्या सिक्रीट हो रहा है और उसके क्या कंटेंट्स है, इसलिए मैंने ये इस तरीके का फॉर्मेट में दे रही हूँ मैं। तो जब इसके पहले कि नेक्स्ट वीडियो आए तो तुम ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे पूरा ध्यान से पढ़ के रखना, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ये कहाँ पर है और इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले जब हम फूड च्यू कर लेते हैं तो उसमें मिक्स हो जाता है सलाइवा। तो सलाइवा जब मैं पढ़ा रही थी तभी बताया था, इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, और ये किस टाइप का अमाइलेज है, अल्फा अमाइलेज, और इसका काम क्या होगा, ब्रेक्स अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और इसमें एक और चीज़ होती है लाइसोजाइम, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं। फिर सेकेंड है गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस बोला तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर कौन बनाता है, तो स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। वो पूरा तुम्हें रिवाइज करके रखना है, वरना समझेगा नहीं आगे का कुछ भी। गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले है पेप्सिनोजन, इट इज़ अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, लिटिक मतलब तोड़ने वाला है, प्रोटियो से प्रोटीन, तो इट ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये भी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। और प्रोरेनिन भी एक तरीके का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, इट ऑल्सो ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एंडोपेप्टिडेज क्या होता है। पेप्टिडेजेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एंडोपेप्टिडेजेस और दूसरे होते हैं एक्सोपेप्टिडेजेस, ठीक है। तो इमेजिन कर लो एक लंबा सा प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि वो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है, ठीक है, ऐसा लंबी लंबी चेन अमीनो एसिड की। अब एंडो वर्ड जब भी आता है तो ध्यान रख लेना वो क्या करता है, बीच की बॉन्ड तोड़ता है, मतलब यहाँ की तोड़ेगा, यहाँ की तोड़ेगा, यहाँ की नहीं तोड़ेगा, ठीक है। देखो क्योंकि ये तो टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो क्या करता है हमेशा बीच की ऐसे बॉन्ड्स तोड़ता है एंडोपेप्टिडेजेस। और एक्सोपेप्टिडेजेस क्या करते हैं, वो टर्मिनल बॉन्ड्स तोड़ते हैं, जैसे कि ये, वो ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं, पर ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि ये सॉरी ये तोड़ सकते हैं, ये और ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये जो है ये बीच की बॉन्ड्स है ना, तो ये एक्सोपेप्टिडेजेस जो है सिर्फ ये टर्मिनल बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं, जो इन बिटवीन बॉन्ड्स हैं उनको नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि इट एक्ट्स ऑन द इनर पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड आफ्टर द एक्शन ऑफ एंडोपेप्टिडेजेस अमीनो एसिड्स आर नेवर रिलीज्ड। अब अमीनो एसिड्स आर नेवर रिलीज्ड का यहाँ पर मतलब है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, कि जब ये एक्सोपेप्टिडेज काम करेंगे, एक ही बार तोड़ा देखो एक अमीनो एसिड रिलीज हो गया, यहाँ से एक रिलीज़ हो जाएगा, अगर यहाँ से तोड़ दिया तो एक अमीनो एसिड रिलीज़ हो जाएगा। पर हम जब इसकी बात कर रहे हैं सेम मॉलिक्यूल की, कि अगर उस पर एंडोपेप्टिडेज काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वो अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये इतना पोर्शन अलग हुआ ना, और इतना पोर्शन अलग हुआ, तो एक सिंगल अमीनो एसिड थोड़ा ना मिला हमको, हमें क्या मिला, चेन ऑफ अमीनो एसिड, एक सिंगल अमीनो एसिड नहीं मिला है ना। सिर्फ इसके कंपैरिजन में ये बात की गई है कि आफ्टर द एक्शन ऑफ एंडोपेप्टिडेजेस अमीनो एसिड्स आर नेवर रिलीज्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंडोपेप्टिडेजेस काम करेंगे तो हमें चेन ऑफ अमीनो एसिड मिलेंगे, ना कि एक सिंगल अमीनो एसिड। नेक्स्ट जो है गैस्ट्रिक जूस में वो होता है हमारे पास HCl, ये तुम्हें पता ही है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl वहाँ पे सिक्रीट करते हैं, तभी तो pH बहुत कम रहता है उसका। फिर माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, देखो जब भी लाइपेज वर्ड आ गया मतलब फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम रहने वाला है ये, माइल्ड इसलिए बोलते हैं कुछ करता है नहीं वैसे, ठीक है, बहुत ना के बराबर की एक्टिविटी है, और यहाँ पर रहता है म्यूकस, ये पहले ही बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट है देखो, अब स्टमक से चले गया, अब कौन आ रहा है, बाइल एक्ट करेगा, ठीक है, तो बाइल ड्यूओडेनम में आके एक्ट करेगा। तो बाइल में क्या है, ये भी हम कंपोजिशन पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, बाइल एसिड्स है वहाँ पे, बाइल सॉल्ट्स हैं। बाइल सॉल्ट्स क्यों काम में आते हैं, बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो देखो बड़े से ड्रॉपलेट वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कि एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट इमेजिन कर लो, वो नीचे गिर गया तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट हो गए। फिर सरफेस एरिया वाला बताया था कि उनका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ, सरफेस एरिया, तो बिगर पीस ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो पिछली वीडियो पहले से देख, मतलब पहले देख लो तुम। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ कि बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, पर फिर भी ये क्या है, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट के डाइजेशन के लिए। ये याद रखना, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं है, यहाँ देखो एंजाइम है, यहाँ एंजाइम है, पर बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं रहते।
नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव जूस वो है हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस है तो कौन बनाएगा? पैंक्रियास। अब यहाँ पे है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब कार्बोक्सी पेप्टिडेज तो मैंने लिख दिया है, इसमें वो भी पहले प्रीकर्सर रहता है, इसको प्री कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी बोलते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है ये तीनों मिला के जो है ये है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक, लिटिक मतलब तोड़ने वाला है, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन को तोड़ने वाले ये एंजाइम्स हैं, इसलिए इनका नाम प्रोटीएजेस भी होता है। और एक और नाम है इनका पेप्टिडेजेस, ठीक है, तीन नाम है, प्रोटीएजेस, प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड पेप्टिडेजेस। ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि इनका दो टाइप हम लोग क्यों बोलते हैं। अब ये जो है ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन ये एंडोपेप्टिडेजेस है, मतलब वो बीच के बॉन्ड्स तोड़ता है, और जो ये है कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये एक्सोपेप्टिडेज है। यहाँ पे और क्या है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा, और है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जब भी बात आती है तो देखो डीएनए और आरएनए वाला जो पोर्शन है उसका डाइजेशन करेगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय दी एसेनल सेल। एसेनल सेल मतलब कौन सा सेल? जो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज है उसके सेल, ठीक है, वो और क्या सिक्रीट करते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर। तो जो स्टमक से खाना आ रहा है, जो अभी भी एसिडिक है, तो उसको बेसिक करने में कौन काम आएंगे? ये बाइकार्बोनेट आयंस। फिर नेक्स्ट जो जूस आता है हमारे पास वो है इंटेस्टिनल जूस और सकस एंटेरिकस। ये जो है इंटेस्टिनल जूस या सकस एंटेरिकस ये हमने पढ़ा था जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे थे, तो वहाँ पे दो ग्लैंड्स थी, याद होगा तुम्हें, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुनेन, ब्रूनर्स ग्लैंड, तो वहाँ पे ये सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसमें होता है एंटेरोकाइनेस विच इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ ट्रिप्सिन। अब ये जो है तुम सिर्फ पहले याद करके रखो, जब हम लोग एक्चुअल डाइजेशन पढ़ेंगे चीज़ों का, जैसे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि ये एक्टिवेटर मतलब क्या होता है। फिर है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स को कौन कैसे कैसे डाइजेस्ट करता है? तो लैक्टेज है, सुक्रेज, माल्टेज, अब नाम से समझ में आ रहा है किसके ऊपर एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे है लिमिट डेक्सट्रिनेज। लिमिट डेक्सट्रिनेज बोलो तो एक स्मॉल कार्बोहाइड्रेट की चेन रहेंगी, उसको ये डाइजेस्ट करेंगे। फिर है आइसोमाल्टेज, माल्टेज को डाइजेस्ट करेंगे, आइसोमाल्टेज को डाइजेस्ट करेंगे। इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, लाइपेज बोला तो हमेशा फैट का डाइजेशन करने वाले, इंटेस्टिनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंटेस्टाइन से सिक्रीट हुआ है। फिर है न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। अब न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ये हमें पहले ही पता है, ठीक है, एक फॉस्फेट का अंतर है, तो ये वाले उस पर एक्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स पे। फिर और यहाँ पे है अमाइनो पेप्टिडेज। अमाइनो पेप्टिडेज फिर से एक पेप्टिडेज एंजाइम है, मतलब कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और इट इज़ ए एक्सोपेप्टिडेज। एक्सोपेप्टिडेज का मतलब फिर से कि टर्मिनल अमीनो एसिड को कट करेगा।